ग्रीन कार्ड यानी कि अमेरिका में परमानेंटली रहने और काम करने की चाबी। हर किसी का सपना होता है कि अमेरिका पहुंचते ही उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाए, और जब एक ग्रीन कार्ड मिल जाता है ना तो वो 10 सालों के लिए वैलिड होता है। ग्रीन कार्ड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट अभी आया था, वो हमने आपको अपनी वीडियो के जरिए बता दिया है, जानकारी आप तक पहुंचा दी है। अब बारी आती है कि हम आपको ये बताएं कि भाई ग्रीन कार्ड धारकों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं। सो इस वीडियो में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को जो फायदे मिलते हैं ना उसके बारे में बात होगी। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ एंड यू ऑल आर वॉचिंग NBT टेक एड। तो देखिए, सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपको अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति मिल जाती है। उसके कुछ सालों बाद, यानी कि जब आपको ग्रीन कार्ड मिलता है तो उसके कुछ सालों बाद आप US के सिटीजन बनने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पास ग्रीन कार्ड होता है तो आपको ये इजाज़त होती है कि वीज़ा धारकों या फिर जो नए आगमन वाले लोग हैं ना उनकी तुलना में आप अमेरिका से और ज़्यादा आसानी से यात्रा कर सकते हैं, स्थायी निवासी विदेश यात्रा कर सकते हैं, और जिनके पास वैलिड ग्रीन कार्ड है वो आराम से अमेरिका में दोबारा एंट्री भी ले सकते हैं। बस शर्त ये होती है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना होता है। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं ना, वो अमेरिका में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं ना उनके लिए स्टेट की जो बाउंड्रीज होती है ना वो किसी भी तरह की कोई ऑब्स्टेकल, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं बनती है। इसके अलावा जो अमेरिका के सिटीजन हैं, जो वहाँ के निवासी हैं ना, वो सरकार से पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आवेदन करना होता है और उन्हें जो सहायता है वो मिल जाती है। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं वो कुछ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में इन स्टेट या फिर रेजिडेंट ट्यूशन दरों के हकदार होते हैं। अगर कोई ग्रीन कार्ड धारक लंबे समय तक अमेरिका में रहता है तो उसे सामाजिक सुरक्षा का, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी है, उसका बेनिफिट भी मिलता है। एक और फ़ायदा ग्रीन कार्ड होल्डर्स का ये है कि जो वर्क वीज़ा वाले लोग होते हैं ना, जो यानी दूसरे देशों से अमेरिका आते हैं वर्क वीज़ा लेकर, उनसे ज़्यादा करियर के ऑप्शन, उनसे ज़्यादा नौकरी के ऑप्शन ग्रीन कार्ड होल्डर्स के पास होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए, जो देश की सिक्योरिटी है या फिर सरकार के लिए जो काम होता है ना उसके लिए वर्क वीज़ा वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास, जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड होता है ना, वो सरकारी नौकरी के लिए अमेरिका में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं ना वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक्टिव भी होते हैं। सो हमने आपको वो सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं जो एक ग्रीन कार्ड होल्डर को मिलते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, कुछ और हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप हमें सारी चीज़ें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग आउट।